राम नगरी में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। बहुप्रतीक्षित मंदिर के भूतल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अब मंदिर में फिनिशिंग के साथ दरवाजे और खिड़कियां लगाए जाना है। रामलला के भव्य मंदिर के भूतल में 40 दरवाजे और खिड़कियां होंगी। ऐसे में राम मंदिर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि भगवान रामलला के मंदिर के मुख्य द्वार सोने का होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की मंशा है कि भगवान के राम मंदिर का मुख्य द्वार स्वर्ण का हो, जिसके लिए तैयारियां शुरू की गई हैं और जल्द ही राम मंदिर के मुख्य द्वार का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि भगवान राम लला के भव्य मंदिर निर्माण के समय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से निधि समर्पण अभियान चलाया गया था, जिसमें देश के हर कोने से लोगों ने राम लला के प्रति अपनी निधि यानी कि अपने धन का दान दिया था। ऐसे में बहुत से लोगों ने भगवान राम लला के मंदिर निर्माण में धातु का भी दान किया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोने और चांदी को फिलहाल सुरक्षित बैंकों के लॉकर में रखा हुआ है। ऐसे में अब राम भक्तों के द्वारा समर्पित की गई कीमती धातु यानी कि सोने और चांदी का इस्तेमाल भगवान राम लला के गर्भगृह के मुख्य द्वार में किया जाएगा। इससे राम भक्तों के द्वारा समर्पित की गई सोने और चांदी का उपयुक्त इस्तेमाल किया जा सकेगा। रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा कि अयोध्या में हजारों वर्षों का सपना साकार हो रहा है। भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। रामलला जहां विराजमान होंगे वहां का द्वार स्वर्ण जनित होगा यानी कि सोने का होगा। ट्रस्ट विचार विमर्श कर रहा है। इसके अलावा राम मंदिर में जितने भी दरवाजे और खिड़कियां हैं वह सागौन की लकड़ी की होंगी। वहीं राम भक्तों की मांग है कि भगवान राम जहां विराजमान है उनका सिंहासन सोने का हो और उनका द्वार सोने का बने। इतना ही नहीं, आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा है। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा की डेट निश्चित नहीं की गई है, लेकिन जनवरी के शुभ मुहूर्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर में भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कैंप कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने बताया कि दिल खोलकर राम भक्त रामलला के लिए दान कर रहे हैं। जब से भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है तब से राम भक्त अरबों रुपए रामलला को दान कर चुके हैं। ट्रस्ट प्लान कर रहा है कि भगवान के द्वार को स्वर्ण जनित किया जाए। भक्तों की मांग भी है कि मंदिर की भव्यता और दिव्यता इतनी खूबसूरत हो कि उसको जब आप देखेंगे तो आप बस निहारते ही रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7 लाइव टीवी, अयोध्या। बहुत सुंदर बात है। रामलला के जो मुख्य गेट जहाँ रामलला विराजमान होंगे वह गेट जो बनेगा वो सोने का बनेगा, ऐसा प्रस्ताव ये ट्रस्ट लोगों का है। ऐसे उन लोगों के विचार बने हैं कि निश्चित है कि भगवान जब भव्यती मंदिर बन रहा है और सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं तो उसमें कम से कम जो रामलला का मुख्य गेट है वो सोने का बने, इसलिए वहाँ के जो मुख्य गेट है सोने का बनेगा और जितने भी जंगला है, खिड़की है और छोटे मोटे जो कार्य हैं वो सागौन के लकड़ी से बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से वहाँ के मंदिर तो बन ही गया है, अब केवल उसके जंगला और गेट बनाने की बात चल रही है, वो अभी जल्दी ही तैयार होने लगेगा। और ऐसा है कि राम भक्तों की इच्छा अनुसार जब भव्य मंदिर बन रहा है तो उसका गेट भी सोने का बने, इसलिए ऐसा प्रयास ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा है। जो यह रामलला का जो मुख्य गेट होगा वो सोने का होगा। हाँ, यह सभी की मांग है, पत्र भेजा जा चुका है और तिथि निश्चित नहीं हुई है अभी। जिस दिन तिथि निश्चित हो जाएगी उस दिन यहाँ प्रधानमंत्री जी आएंगे, उनके कर कमलों द्वारा भगवान रामलला को उस भव्य मंदिर में स्थापित किया जाएगा, ऐसा विचार है और ऐसा लोगों की भावनाएं हैं और ऐसी इच्छा उन लोगों की है कि हाँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा यह शिला पूजन और भूमि पूजन हुआ है, इसलिए उस मंदिर, उस जगह जो भव्य मंदिर तैयार हो गया है वहाँ पर रामलला भी राम हमारे माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा स्थापित किए जाए। देखिए, दान तो रोज़ आ रहा है और पहले भी दान आ चुका है, हजारों करोड़ रुपया दान में दे चुके हैं और चांदी सोना भी उन्होंने
काफ़ी वजन में दिया है। अब भगवान का चुंभ गर्भगृह मंदिर बन के तैयार होने जा रहा है, तो अब हो सकता है कि हम चांदी सोने का जो एकत्र हुआ है और जो लाकर में रखा हुआ है बैंक के, उससे कोई योजना बनाएं ट्रस्ट के लोग और उसका आगे दरवाजे पर, सिंहासन पर, उस सब पर उससे निर्माण कराएं। 4-5 क्विंटल जरूर चांदी होगी, सोना भी 4-5 किलो होगा अंदाज के हिसाब से। मंदिर इतना सुंदर बन रहा है, इतना भव्य मंदिर तैयार हो रहा है, तो फिर और अनुभूति तो जब अंदर कदम रखेंगे उसी समय से एक स्मरणीय ऐसी अनुभूति होगी जिसका कोई स्मरण ही नहीं कर सकता।